गाइस क्या होगा अगर एक कान खजूरा आपके कान में चला जाए। दोस्तों गर्मियों का मौसम आ चुका है और थोड़े ही समय में बरसातों का मौसम भी आने वाला है, तो इन बरसातों के बीच लोगों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है कीड़े मकौड़ों का। शायद आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि रात को आप सो रहे हो और अचानक कोई चींटी या कीड़ा आपके कान में घुस जाता है, जो बाद में काफी दर्द का कारण भी बनता है। इसी तरह आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई कान खजूरा आपके कान में घुस जाए तो आपका क्या होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहेंगी। कान खजूरा जो दिखने में काफी खतरनाक दिखाई देता है, इतने सारे पैर और इसका नाम ही काफी है किसी को डराने के लिए। वैसे तो कान खजूरे का जहर और इसका काटना बहुत अधिक जानलेवा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बड़े आकार का कान खजूरा अगर किसी बच्चे या किसी कमजोर दिल वाले आदमी को काट ले तो उसे हार्ट अटैक भी हो सकता है। कान खजूरा कई बार रात को सोते हुए हमारे कान में घुस जाता है, जिसे निकालना कई बार डॉक्टरों के लिए भी बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। और इसका कारण है कान खजूरे के इतने सारे पैर, जिनकी मदद से ये हमारे कान के अंदर पकड़ बना लेता है, जिसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों कान खजूरा अगर किसी के कान में घुस जाए तो कई प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि कान का लाल होना, बहुत तेज दर्द होना, कान का बहना या कान में खारिश होना। तो गाइस आपको बताते हैं कि अगर कोई कान खजूरा आपके कान में घुस जाए तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा। नंबर एक, सेंधा नमक, जिसे समुद्री नमक भी कहा जाता है। सेंधा बहुत ही बढ़िया तरीका है अगर कान खजूरा किसी व्यक्ति के कान में घुस जाए तो सेंधा नमक को पानी में मिलाकर कान में डालें। इससे कान खजूरा मर जाता है और वो तैरता हुआ कान से बाहर आ जाता है। नंबर दो, कान में सरसों का तेल या जैतून का तेल गर्म करके डालें। ऐसा करने से कान खजूरा बड़ी आसानी से कान से बाहर आ जाता है। दोस्तों कई बार होता है कि कान खजूरा कान में बाहर से ही दिखाई देता है, ऐसा होने पर उसे छोटी चिमटी की मदद से बाहर निकाला जा सकता है। कान में दर्द या खुजली होने पर उसे ज्यादा उंगली से छेड़ना नहीं चाहिए, ऐसा करने से आपको और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और गाइस अगर आपके कान से खून बहने लगे तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार तब होता है जब कान खजूरा आपके कान में ही काट लेता है। दोस्तों सोशल मीडिया पर आप बहुत सारी वीडियो शेयर करते हैं, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि किसी ना किसी का तो भला हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग और नॉलेज भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।